सेंट थॉमस स्कूल शिमला, एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी। हिमाचल में सड़कों का जाल और मजबूत हो, सड़कों का जाल बेहतरीन हो और प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़कों का विस्तारीकरण हो, मेटलिंग टायरिंग हो और ख़ास करके जो हमारे चाहे ऊपरले हिमाचल के से बहुल्य क्षेत्र है उसकी बात हो या निचले हिमाचल जिला कांगड़ा का पोंग डैम के ऊपर अच्छी कनेक्टिविटी की बात हो ब्रिजेस के रूप में, और उसके साथ साथ हमारा चाहे मंडी ज़िला है चाहे हमीरपुर ज़िला है, हमारा हमेशा से ये सोच रही है कि हमने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने में योगदान देने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में हमारे काफ़ी समय से जो हम प्रयास कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के सड़कों के विकास के लिए, उसमें पिछले कल एक बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार को और ख़ास रूप से लोक निर्माण विभाग को जो है वो प्राप्त हुई है। हमको 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है रोड सर्फिस एंड ट्रांसपोर्ट, उसके माध्यम से जो हमारे माननीय मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनसे हम समय समय पर जाकर दिल्ली में मिलते रहते थे और हिमाचल के विषयों के मुद्दों को उनके समक्ष समय समय पर उठाते रहते थे, उस संदर्भ में हमको एक बड़ा सहयोग मिला है और सड़कों के नवीनीकरण के लिए, उत्थान के लिए जो है टोटल 5 प्रोजेक्ट हमको पिछले कल स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 293.36 करोड़ यानी ऑलमोस्ट जो है 294 करोड़ का ऑलमोस्ट सहयोग हमको CRIF के माध्यम से यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड के माध्यम से, CRIF के माध्यम से ये सहयोग मिला है और इसमें हमने हिमाचल के हर क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे लिए हिमाचल का हर कोना बराबर है। चाहे हम जिला कांगड़ा के मैं जो एक ब्रिज बनने जा रहा है गज खड में कांगड़ा में, एक हाई लेवल ब्रिज है 828 मीटर का, और मेरे लिए खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसका जो शिलान्यास है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2016 में रखा था और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको हमने पूरा करना है, और उस समय जो वहाँ के CPS थे नीरज भारती जी, उनकी उपस्थिति में इसको करवाया गया था और जो हमारे मंत्री है चंद्र कुमार जी, वर्तमान मंत्री है कृषि मंत्री है, वो लगातार इसको परस्यू कर रहे थे और इसकी हमको स्वीकृति मिली है। करोड़ की लागत से जो है ये इसका कार्य शुरू होगा और इसकी हमें स्वीकृति मिली है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वैसे ही हमारा जो शिमला जिला है इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे से बहुल्य क्षेत्र है, जो रामपुर से संबंधित है, रोड़ू का कुछ इलाका उसमें आता है और आपके कुमारसन का कुछ इलाका उसमें जो है वो कवर होता है, जो हमारी टिकर जरोल गहन ननखरी खमाड़ी सड़क है, इस ये भी 52 किलोमीटर्स के लिए है और इसमें भी हमको 40 करोड़ रुपए का लागत इसमें भी हमको उसकी स्वीकृति मिली है। वैसे ही जिला हमीरपुर में हमारा सुजानपुर टीरा संधोल सड़क है, इसके लिए भी हमें जो है वो 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए भी मिली है। और वैसे ही आपका नवगांव बेरी रोड है हमीरपुर में, इसकी भी हमको स्वीकृति मिली है। और जिला मंडी का करसोक का बखरोड करसोक सनारली सैंड सड़क है, इसके लिए भी हमको 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो मिली है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और लगातार हम और भी जो प्रदेश हित में सड़कों के नवीनीकरण के और एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम प्रदेश स्तर पे तो कर ही रहे हैं, मगर केंद्र से भी जो उसमें सहयोग चाहिए उसको भी हम आने वाले समय में लेकर आएंगे, ये पहली चीज़ है। और दूसरा जो एक दूसरी भी एक बड़ी खबर है
ये हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो चौथा चरण PMJSY फेज 4 जो अब शुरू होने जा रहा है, अभी उसकी अनाउंसमेंट केंद्र जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो वित्तीय वर्ष का 2024-25 का जब बजट पड़ा था उसमें जो है वो कवर किया गया था, तो उसमें उन्होंने किया है। अभी ऑफिशियली ये शुरू नहीं हुई है, मगर इसकी जो गाइडलाइंस है वो मैं जो है वो उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हमने एक जो बड़ी उपलब्धि हिमाचल के संबंध में हमने इसमें हासिल करने का प्रयास किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना की पहली चरण में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी थी, जिनकी अपकीप काफी समय से नहीं हो पा रही थी, और जिसमें हमारी कई आबादियां प्रदेश के अंदर जो गांव हैं वो नहीं जुड़े थे, उनको इसमें जोड़ने के लिए हमने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया, और इन प्रिंसिपल वो इसमें मान गए हैं कि जो हमारे PMJSY 1 के जो गांव छूटे हुए थे, जो सड़कें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनको इसमें जोड़ा जाएगा, जो हमारे 829 लगभग 830 किलोमीटर सड़कें ऐसी होगी प्रदेश में जो इसके माध्यम से जुड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।